ब्लॉकेज होता है, फिर एने अटैक आने लगते हैं और बीपी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन ये नाश्ता करने से और ये एक्सरसाइज जंपिंग करते हैं पूरी, तो उसमें क्या है ना, सारी वो नसें नाड़ी खुलती हैं उससे। और सर जुड़ रही हैं मीनू जैन जी, उनसे बात करेंगे किस तरीके से इनका परिवार खुशहाल रहा जब से वो संटू ह्यूमन फाउंडेशन से जुड़ी हैं। मेरा परिवार जब से 2016 से मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मेरे परिवार में बहुत खुशहाली है और बहुत अच्छा परिवार हो गया है। मेरे बच्चे भी, मेरी बेटी दो बेटियाँ मेरी, एक की शादी कर दी बेंगलोर में और एक बेटी यहाँ बैठी है। और मेरे पति में बहुत सुधार है, सबसे ज़्यादा बीमारियों में सुधार हुआ है। मेरे दवाइयाँ है ना, या मेरे हस्बैंड की मेरी दवाइयाँ आती थी मेरी 100% हमने बंद कर दी है। मेरे पति की बीमारी ठीक हो, मेरी भी थायराइड बीपी वगैरह ये सब मेरी सब बिल्कुल 100% ठीक हो चुकी है, मुझे कोई परेशानी नहीं है अब। और जो सब रेगुलर जो करते हैं जंपिंग वगैरह, इससे बहुत आराम मिलता है। तो ये इस ग्रुप से जुड़ने के बाद कितनी प्रकार की बीमारियों से हमें राहत मिल सकता है यदि आपके इस नियम को फॉलो करते हैं? इस चीज़ से, इस अदरक नाश्ता से और इस ना एक्सरसाइज से सारी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। जैसे बीपी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट प्रॉब्लम, तो उसमें क्या है अपनी सब यानी जो हार्ट ब्लॉकेज वगैरह होते हैं, सब जो नसें वगैरह सब ब्लॉक हो जाती हैं। अपन है ना भोजन ले रहे हैं, आजकल का भोजन बहुत रिफाइंड चल रहा है और बहुत ज़्यादा ऑयली, बाजार का फास्ट फूड चल रहा है, ये सब ज़्यादा है ना चलन में आ गया है। तो है ना ये सब चीज़ खाते रहते, इससे क्या है नसों में जो नसें होती, बारीक बारीक नसें, उनमें सारे में ऑयल चिपक जाता है, उसमें सारी गंदगी चिपक, इससे अपना पेट भरता चला जाता है और सब नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं। और फिर जैसे ही है ना कोई अपन पैदल चले या जीने चढ़े सांस फूलने लगते, इससे फिर हार्ट पे ब्लड की पंपिंग नहीं हो पाती, तो इससे हार्ट ब्लॉकेज होता है, फिर एने अटैक आने लगते हैं और बीपी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन ये नाश्ता करने से और ये एक्सरसाइज जंपिंग करते हैं पूरी, तो उसमें क्या है ना सारी वो नसें नाड़ी खुलती हैं उससे। और है ना जो हार्ट, फिर हार्ट के पास पूरा उन्हें ब्लड जो क्लैपिंग करते हैं वाइब्रेशन कर, उससे जो सब नाड़ियाँ हैं इसमें एक हाथ में 116 पॉइंट, एक हाथ में 116 जो सब क्लैपिंग करे ताली बजाते, इससे सारी नसें नाड़ी खुलती हैं और अपने हार्ट की नसें भी खुलती हैं जंपिंग करने से, क्लैपिंग करने से। अटैक वगैरह नहीं आता है ना? नहीं, अटैक नहीं आएगा। अभी इतना कोरोना फैला हमारे यहाँ जो इससे सब जुड़े संटी ह्यूमन से जुड़े कहीं भी, मतलब पूरे उसमें किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, सब 100% एक भी कोई किसको यानी ना कोई परेशानी हुई ना कोई कोरोना हुआ और सब ठीक है। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आपको देखा है कि दूध का बहुत ज़्यादा वर्जित रहता है आपके यहाँ, जबकि दूध लोग हेल्दी मानते हैं, तो दूध क्यों वर्जित रहता है आपके ग्रुप में? दूध इसलिए वर्जित रहता है क्योंकि दूध एक जानवर का दूध है, जानवर का, तो उसका पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन माँ का दूध, वो दूध किसके लिए है? अब माँ का दूध है एक अपने बच्चे के लिए ही तो है, मनुष्य के बच्चे के लिए है, तो और किसी को नहीं दे। ऐसे ही यानी जानवर का दूध जानवर के बच्चे के लिए भगवान ने है ना पैदा किया है वो, तो है ना वो बच्चों, अब ये मानते कि तो है ना कि जानवर का दूध है तो 5 साल तक अपन बच्चों को पिला सकते हैं, 5 साल तक उसका पीएच इतना हाई रहता है जानवर का, आप उसके नाप करके देख लीजिए, माँ के दूध का पीएच बहुत कम है और जानवर का, भैंस या गाय का दूध बहुत ज़्यादा है, तो वो अपन लेते हैं उससे बहुत परेशानी आती है क्योंकि उसका पीएच ज़्यादा है, अपना मनुष्य का पीएच कम है, तो इससे वो गड़बड़ा है, इसलिए दूध का मना किया है इसमें। हाँ तो आज मिसेस जैन साहब हमारे साथ जुड़ी हुई थी, मिसेस जैन, और आज उन्होंने जो जानकारी आपको दी है, ये जानकारी आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और निश्चित रूप से आप संटू ह्यूमन फाउंडेशन जुड़ेंगे तो एक नया जीवन जीने का तरीका आप समझेंगे और अच्छा जीवन जियेंगे, आपके जीवन में हमेशा ऊर्जा का संचार होता रहेगा। नमस्कार।